आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। रानीपुर नगर में आज नगर पंचायत आदिशासी अधिकारी उमाकांत पटेल व पुलिस फोर्स चौकी इंचार्ज अनुज कुमार के नेतृत्व में तिरंगा झंडा रैली निकालकर किया शुभारंभ। नगर के सभी वार्डों व बाजारों में तिरंगा झंडा बांटे। ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा घर घर तिरंगा बांटने का अभियान चलाया। बमोरी सुहागी पचौरा भकोरा में तिरंगा यात्रा निकाली गई एवं घर घर तिरंगा बांटे गए। इसी क्रम में ग्राम देवरी सिंहपुरा में मुकेश राय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें नगर के गणमान्य लोग शामिल हुए। ओम प्रकाश गुप्ता भैया जी विनीत श्रुति रामकिशोर कुशवाहा भगत जी वैभव चौदह हीरालाल खोया शमशेर मंसूरी संदीप यादव जयप्रकाश सेन संजू पांडे मदन चंद्र राय अनुराग गुप्ता रविंद्र कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। रानीपुर से संवाददाता नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट। सर हर बार आज़ादी का उत्सव मनाया जाता है, इस बार कुछ विशेष है, क्या कहेंगे? आज़ादी के 75वें वर्ष मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक अमृत सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके आज प्रथम दिन तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर पंचायत के समस्त कर्मी चौकी प्रभारी श्री अनु जी और समस्त पुलिसकर्मी स्टाफ और हमारे नगर पंचायत कर्मचारियों ने नगर में जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें अच्छी खासी आम लोगों की सहभागिता रही। जैसे सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, कब से शुरू है, कब तक चलेगा, किस तरह मनाया जाएगा? हर घर तिरंगा अमृत सप्ताह के अंतर्गत 11-17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसमें विद्यालयों की कार्यक्रम चलना है, रंगोली और जो स्वयंसेवी समूह है उनकी भी सहायता ली जानी है और 13-15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा को फहराया जाना। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।